पहले से तो फिर भाई भी खा लिया मिलेगा लोगों को, जिन लोगों की परेशानियां हैं वो सब परेशानियां दूर होंगी, क्योंकि इसमें अलग अलग जो कुंडे हैं और हर कुंड पर हवन होगा। ये नौ कुंड बने हुए हैं, इन नौ कुंडों का काम अलग अलग है। जैसे कि लक्ष्मी के लिए कमल कुंड है, सर्वस्व कामनाओं के लिए मध्य में जो कुंड है वो है, चंद्रमा चंद्र कुंड जो है वो शीतलता के लिए है,
योनि कुंड जो है संतान प्राप्ति के लिए है, अष्टकण अष्टकमल अष्ट कोण का जो कुंड है वो रोग नाश के लिए है। ऐसे इस प्रकार में जो बने हुए हैं कुंड, इनका काम अलग अलग है। इन सभी पे किया जाएगा, जैसे त्रिकोण वाला कुंड है ये शत्रु विनाश के लिए है, तो इन कुंडों की विशेषता अलग है। हर तरीके के आदमी को उसी कुंड में बैठाया जाएगा जैसी उसकी परेशानियां हैं। बनाया जाता है, विशेषता इनकी ये है कि ये हर रास्ते को सही करके ले जाना। आप किसी भी रास्ते पर जा रहे हैं तो आपको रास्ता सही मिले, आपको रास्ते में कोई परेशानी ना हो, उस परेशानियों को दूर करने के लिए ही माँ के दरवाजे पहले आता है और फिर कहीं भी जाता है। अगर इसका रास्ता पहले नहीं पकड़ा उसने तो उसको तकलीफें हो सकती हैं, कोई भी परेशानियाँ हो सकती हैं। इसलिए पहले प्रथम माँ पथवारी पे लोग आते हैं, उसके बाद कहीं भी जाते हैं। जैसे एक बहुत प्राचीन मंदिर है, ये मथुरा का सबसे प्राचीन मंदिरों में है, पर लोगों को मालूम नहीं है। एक प्राचीन नाम इसका, बहुत प्राचीन नाम है इसका, महाविद्या सरस्वती संगम पर पथवारी देवी मंदिर, बहुत प्राचीन है। आज ये नाला हो गया यहाँ, नहीं तो पहले बहुत सुंदर नहरें थी जिसमें हम लोग नहाए, आज वो चीज़ नहीं है यहाँ।